हेलो, जय हिंद, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जिससे आपको सही सीख मिलेगी। ठीक है, हर कहानी से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है। जैसे ये कहानी है, इसका जो टाइटल है वो नाम है यानी सही दिशा। एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपये लगेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 200 रुपये? आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठाकर चला जाऊंगा। वह व्यक्ति काफ़ी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उस आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मैंने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली है, तो आप अब कितना रुपये लेंगे? तो टैक्सी वाले ने कितना सुंदर जवाब दिया, 400 रुपये। अरे, उस आदमी ने फिर कहा, पहले 200 रुपये, अब 400 रुपये, ऐसा क्यों कहा तुमने? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, प्यारे महोदय, इतनी देर से आप साईं मंदिर की विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हैं, यानी कि वो साईं मंदिर से उल्टी दिशा में दौड़ लगा रहे हैं, जबकि साईं मंदिर तो दूसरी तरफ है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। देखो, इसी तरह जिंदगी के कई मुकाम में हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे सीधे काम शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच समझ ले, उस पर विचार कर ले कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है कि नहीं है। हमेशा एक बात याद रखें कि दिशा सही होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है, और यदि दिशा ही गलत हो तो आप कितनी मेहनत कर लो कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़े, कामयाबी आपके हाथ जरूर थमे। तो दोस्तों, हमेशा दिशा का सही होना ज़रूरी है। कुछ लोग आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ में मेहनत ज़रूरी है। लड़के स्टूडेंट्स वगैरह इतनी मेहनत करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि मतलब किस कंपटीशन में क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या आता है, और हर कोई बस मेहनत करने में लगा है। हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए, और आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें टीचर वगैरह आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देगा। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।